नमस्कार, मैं हूं दुर्गा बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 जुलाई, दिन सोमवार। खबर क्यों बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से बदल जाएगा सरकारी स्कूलों का टाइम टेबल। आज से होंगे ये बदलाव, अब जो आपकी जेब पर डालेंगे सीधा असर। उद्योग के लिए बिहार सरकार दे रही 10 लाख रुपए, आज से शुरू होगा आवेदन। 4 जुलाई को जॉब कैंप का होगा आयोजन। आज से बिहार सहित देश भर में लागू होंगे 3 नए कानून। T20 वर्ल्ड कप 2024 में विजेता और उप विजेता टीमों को मिली करोड़ों की प्राइज मनी। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों के विस्तार से। NIEPMD ने असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर समेत कई पदों पर निकाली भर्ती। असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर, स्पेशल एजुकेटर समेत कई पदों पर राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण संस्थान यानी NIEPMD की तरफ से भर्ती निकाली गई है। रोजगार समाचार में प्रकाशित होने के बाद इसके आवेदन की अंतिम तारीख अंतिम 21 दिन तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट NIEPMD.NIC.IN पर जाकर कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पद के मुताबिक PG MBBS, DNM डिप्लोमा, BSc नर्सिंग, 12वीं या ITI पास किया हो। भर्ती से संबंधित सभी का अधिक जानकारी के लिए आप इसके सूचना और आधिकारिक वेबसाइट को जरूर देखें। आज से होंगे ये बदलाव, जो आपकी जेब पर डालेंगे सीधा असर। आने वाले हर नए महीने में हमसे जुड़े थोड़े बहुत बदलाव ऐसे होते हैं जो सीधा हमारी जेब पर असर डालते हैं। आज से जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, ऐसे में आज क्या क्या बदलाव हो सकते हैं इससे जुड़ी जानकारी हम आपको बताएंगे। हर महीने ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर यानी LPG गैस सिलेंडर के नए दाम तय करती है। ऐसे में आज से LPG गैस सिलेंडर के दाम में थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं यदि आप 2 पहिया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो आज से आपको ये महंगा पड़ सकता है, क्योंकि 2 पहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प वाहनों के दाम बढ़ा सकती है। वहीं सिम कार्ड पोर्ट रूल में भी थोड़े बहुत बदलाव होने जा रहे हैं। ट्राई द्वारा इसे लेकर नया नियम लागू किया गया है। वहीं क्रेडिट कार्ड पेमेंट से जुड़े बदलाव भी किए गए हैं। आज से क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट भारत बिल पेमेंट यानी BBPS से ही करना होगा। आज से बदल जाएंगे सरकारी स्कूलों का टाइम टेबल। राज्य के सरकारी स्कूलों के टाइम टेबल में 1 जुलाई से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शिक्षा विभाग के जारी निर्देश के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूल अब सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे। छात्रों को छुट्टी दोपहर 3:15 पर होगी, जबकि इसके बाद 45 मिनट तक मिशन दक्ष और अन्य विशेष कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। वहीं इसके बाद बच्चों के होमवर्क को शाम 4 बजे से 4:30 बजे तक चेक किया जाएगा। इन्हीं अवधि में शिक्षकों द्वारा लेसन प्लान, चाइल्ड प्रोफाइल, साप्ताहिक मूल्यांकन आदि कार्य निपटाए जाएंगे। इसके बाद सभी शिक्षक अपने घर जा सकेंगे। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे सभ्यता द्वार के बारे में। सभ्यता द्वार बिहार में पटना शहर में गंगा नदी के तट पर स्थित एक बलुआ पत्थर आर्क स्मारक है। सभ्यता द्वार को मॉडर्न शैली वास्तुकला के साथ बनाया गया है, जिसमें बिहार राज्य की पाटलिपुत्र और परंपरा और संस्कृति की प्राचीन महिमा दिखाने के उद्देश्य से इसे बनाया गया है। सभ्यता द्वार का निर्माण राजस्थान से रेड एंड व्हाइट सैंड स्टोन मंगाकर किया गया था। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया, नई दिल्ली का इंडिया गेट और फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाजा की श्रृंखला में ही ये सभ्यता द्वार भी है। पटना का लैंडमार्क सभ्यता द्वार पर बिहार से जुड़े 4 महापुरुषों के संदेशों को लिखा गया है। CM नीतीश कुमार ने 20 मई 2018 को गांधी मैदान के पास स्थित सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर कैंपस में सभ्यता द्वार का लोकार्पण किया था। आज से बिहार सहित देश भर में लागू होंगे 3 नए कानून। बिहार समेत देश भर में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्षर नियम लागू होने जा रहे हैं। इसके साथ ही अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही कई पुरानी धाराएं और नियम कानून भी काफी हद तक बदल जाएंगे। नए कानूनों को लागू करने के लिए बिहार पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। बिहार पुलिस के 25,000 पदाधिकारियों को अब तक नए आपराधिक कानून, विधि विज्ञान और डिजिटल पुलिसिंग का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक आज 1 जुलाई को राज्य के सभी थानों में नए कानूनों की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्थानीय नागरिकों को आमंत्रित कर 3 नए आपराधिक कानून की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी देने का निर्देश सभी थाना अध्यक्षों को दिया गया है।
बिहार सरकार विद्युत उपभोक्ताओं को दे रही सुनहरा अवसर। बिहार सरकार विद्युत उपभोक्ताओं को सुनहरा मौका दे रही है, जिसके तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर अग्रिम रिचार्ज पर बैंक दर पर आकर्षक ब्याज दिए जाएंगे। इससे आपको बैंक से भी ज्यादा ब्याज मिलेगा और आप अपनी बचत को बढ़ा पाएंगे। 6 महीने या उससे ज्यादा की अभी तक लगातार 2000 रुपए से ज्यादा बैलेंस रहने पर 7.25% तक का ब्याज मिलेगा। वहीं 3 से 6 महीने की अभी तक लगातार 2000 से ज्यादा बैलेंस रहने पर 7% तक का ब्याज दिया जाएगा। 3 महीने से लगातार 2000 रुपए से ज्यादा बैलेंस रहने पर 6.75% का ब्याज मिलेगा। इसके अलावा बैलेंस खत्म होने से पहले रिचार्ज करने पर 2% की विशेष छूट, ऑनलाइन रिचार्ज करने पर 1% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि विद्युत वितरण कंपनियों के नजदीकी कार्यालय या विभाग के आधिकारिक वेबसाइट या इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 4 जुलाई को जॉब कैंप का होगा आयोजन, 25 पदों पर होगी बहाली। 4 जुलाई को गुरुवार को सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक श्रम संसाधन विभाग की ओर से अवर प्रादेशिक योजनालय के माध्यम से ITI रामनगर के पास संयुक्त श्रम भवन लहेरिया सराय के कार्यालय परिसर में वासितास प्राइवेट लिमिटेड जॉब कैंप का आयोजन किया गया है। इसकी जानकारी नियोजन पदाधिकारी अवर प्रादेशिक योजनालय दरभंगा मृणाल कुमार चौधरी द्वारा दिया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जॉब कैंप में साइट असिस्टेंट एप्लीकेटर, सीनियर एप्लीकेटर के लिए साक्षात्कार के बाद 25 पदों पर रोजगार दिया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थियों की उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों पर 12वीं पास, ITI डिप्लोमा, BTEC मैकेनिकल उत्तीर्ण अभ्यर्थी की बहाली की जाएगी। जॉब कैंप में भाग लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी भारत सरकार के NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर जाकर खुद से या इस योजनालय में आकर निबंधन करवा सकते हैं। अभ्यर्थी अपना बायोडेटा, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 5 रंगीन फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य प्रमाण पत्र के साथ जॉब कैंप में भाग ले सकते हैं। बता दें कि इस जॉब कैंप में भाग लेना पूर्णतः निःशुल्क है। EOU ने बनाई बिहार के 55 बालू माफियाओं की लिस्ट। माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई EOU को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं कार्रवाई करते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने बालू के अवैध कारोबार में संलिप्त 55 लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पहले चरण में 13 जिलों के 55 कारोबारी पर शिकंजा करने का प्लान आर्थिक अपराध इकाई द्वारा तैयार किया गया है। मीडिया में चली खबरों के मुताबिक आर्थिक अपराध इकाई के निशाने पर बालू माफियाओं के 55 लोगों की इस लिस्ट में MNC पत्रकार सफेद पुष और कई बड़े नाम शामिल हैं। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जो सूची तैयार की गई है उससे पटना जिला के 13 बालू माफिया हैं, जबकि भोजपुर जिले के 9 बालू माफिया, औरंगाबाद के 9, सारण के 8, रोहतास के 8, जहानाबाद के 1 और बांका के 3 बालू माफियाओं के नाम शामिल हैं। उद्योग के लिए बिहार सरकार दे रही 10 लाख रुपए, आज से शुरू होगा आवेदन। राज्य के युवाओं और युवतियों को उद्योग लगाने के लिए बिहार सरकार 10 लाख रुपए दे रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 1 जुलाई को सुबह 11 बजे से आवेदन शुरू हो जाएंगे। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 जुलाई तक जारी रहेगी। आवेदक विभागीय पोर्टल https://udyami.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या महिला या युवा के अंतर्गत बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। इसके साथ ही कम से कम इंटरमीडिएट या ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। योजना का लाभ उठाने के लिए आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जाने मिली बर्थ को लेकर रेलवे के इस नियम के बारे में, हमें से कई लोग ऐसे होंगे जो ट्रेन से यात्रा करना ज्यादा पसंद करते हैं। रेलवे से यात्रा सबसे आरामदायक और सुविधाजनक होती है। ट्रेन से जब भी आपने स्लीपर कोच में सफर किया होगा तो इस कोच के अपर मिडिल बर्थ और लोअर बर्थ को भी आपने देखा होगा। हो सकता है कई बार मिडिल बर्थ पर आपने सफर भी किया हो। ट्रेन से सफर करने के दौरान हमें कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी है, लेकिन क्या आपको पता है कि मिडिल बर्थ को कब तक खोल के रख सकते हैं? रेलवे के नियमों के मुताबिक मिडिल बर्थ को रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक ही खोल सकते हैं और सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आपको लोअर बर्थ पर अन्य यात्रियों के साथ सीट शेयरिंग के साथ बैठना होगा। बिहारी बादरी स्पेशल में आज हम बात करेंगे अब्दुल कय्यूम अंसारी के बारे में। अब्दुल कय्यूम अंसारी का जन्म आज के ही दिन वर्ष 1905 में डेहरी ऑन सोन में हुआ था। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहभागी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। ये लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। ये इंडिया वुमेन
कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे, जिसके माध्यम से जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। 18 जनवरी वर्ष 1973 में यह दुनिया को अलविदा कह गया। बड़े पैमाने पर परिवहन विभाग में कई पदों पर हुआ तबादला। रविवार को परिवहन विभाग में भारी पैमाने पर तबादला हुआ है। विभाग के उप सचिव के आदेश पर 3 साल से एक ही जगह पर जमे या फिर प्रशासनिक कारणों की वजह से परिवहन विभाग के लिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर का तबादला किया गया है। एक तरफ जहां प्रोग्रामर और डेटा एंट्री ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ लिपिक की पोस्टिंग की गई है। परिवहन विभाग द्वारा कल 27 प्रोग्रामर और 353 डेटा एंट्री ऑपरेटर को विभिन्न जिलों और स्थान पर प्रतिनियुक्त किया गया है, तो वहीं इसके साथ ही 31 लिपिक का भी तबादला किया जा चुका है। गर्मी के दिनों में फोन के ओवरहीट होने से हो सकती है ये परेशानी। गर्मी के दिनों में फोन में अक्सर ओवरहीट की परेशानी होती है। ऐसा गर्मी में टेम्परेचर अधिक होने के कारण होता है। आज के समय में स्मार्टफोन हर किसी के पास है, ऐसे में आपको जानना जरूरी है कि गर्मी के दिनों में स्मार्टफोन में ओवरहीट के कारण क्या क्या परेशानी हो सकती है। इसमें सबसे पहले है अधिक गर्मियों में स्मार्टफोन के टच स्क्रीन प्रभावित होना। दरअसल ओवरहीट के कारण फोन में ये परेशानी आ सकती है, इसलिए धूप में फोन इस्तेमाल करने से बचें, और यदि फोन ओवरहीट हो गया है तो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। यदि आप ओवरहीट होने के बाद भी फोन का इस्तेमाल करते हैं तो ये कंप्लीट शटडाउन भी हो सकता है, साथ ही बैटरी भी तेजी से डिस्चार्ज होता है। इसके अलावा निजी डेटा भी करप्ट हो सकता है। स्किल एक्सपो 2024 का सीबीएसई ने जारी किया शेड्यूल। देश के 12 शहरों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा स्किल एक्सपो 2024 का आयोजन किया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में इस स्किल के एक्सपो का आयोजन 16 अक्टूबर को होने वाला है। करियर गाइडेंस के मौजूदा दौर में शिक्षा के क्षेत्र में आए बदलाव से स्कूली बच्चों को अवगत कराने के मकसद से इस स्किल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। जॉब रेडी स्किल, 21 सेंचुरी स्किल, गाइडेंस इंस्पायरिंग ड्रीम, इंडस्ट्रियल डिमांड आदि थीम पर इस स्किल एक्सपो में विद्यार्थियों और शिक्षकों व अभिभावकों को जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस स्किल एक्सपो में विद्यार्थी कक्षावार तरीके से भाग ले सकते हैं। कैटेगरी 1 में कक्षा 6 से 10 तक और कैटेगरी 2 में कक्षा 11 से 12 तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। इसके लिए बोर्ड द्वारा जारी किए गए लिंक पर विद्यालयों को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। बता दें कि रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश की है संभावना। बीते दिन राजधानी पटना समेत कई जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली। आज भी कई जगहों पर बादल घेरे हुए हैं। मौसम विभाग ने कई जगहों पर वज्रपात और मेघ गर्जन को लेकर अलर्ट जारी किया है। आज भी प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई। वहीं मौसम विभाग द्वारा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और किशनगंज में किया 2 स्थानों पर अति बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल और अररिया जिले में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना जताई गई। मोबाइल नंबर फ्रॉड को रोकने के लिए आज से लागू होंगे ट्राई के नए नियम। मोबाइल नंबर फ्रॉड को रोकने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने एक नया कदम उठाया है। पहले मोबाइल नंबर पोर्ट करने में 10 दिन लगते थे, लेकिन अब इसे घटाकर 7 दिन कर दिया गया है। ट्राई के इस नए नियम से मोबाइल फ्रॉड में कमी आएगी। वहीं दूरसंचार नियामक के नए नियमों के मुताबिक विशेष पोर्टिंग कोड के नाम मंजूर होने पर एक अलग आवंटन नियम लाया गया है। इस नए नियम के मुताबिक सिम बदलने की तारीख से समाप्ति से पहले विशेष पोर्टिंग कोड का अनुरोध किया गया है तो उसे मंजूरी नहीं मिलेगी। नए नियम के मुताबिक किसी भी आपात स्थिति में सरकार टेलीकॉम कंपनियों पर अपना नियंत्रण ले सकेगी। ये नियम आज से लागू हो जाएंगे। 72 घंटे के अंदर इन अफसर के खिलाफ होगी कार्रवाई, नीतीश के बड़े नेता ने किया ऐलान। राज्य में किसानों का शोषण और उत्पीड़न करने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं, ये भरोसा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर जायसवाल रविवार को किसानों को दिया है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में किसान मोर्चा को संबोधित करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर जायसवाल ने कहा है कि छोटे काम के लिए किसानों को दौड़ाने वाले सीईओ और कर्मियों पर 72 घंटे के अंदर कार्यवाही की जाएगी। वहीं इस दौरान सभी सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि किसानों के विकास के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। बिहार में फिलहाल एफपीओ सेक्टर काफी पीछे है, जिसे मजबूत बनाने के लिए लक्ष्य में कार्य किया जा रहा है। एफपीओ सेक्टर किसानों के लिए मददगार साबित होगी और इसके माध्यम से किसानों की परेशानी को दूर किया जाएगा।
बिहार को उद्योग हब बनाने के लिए सरकार की कवायद जारी। आज निवेशकों से 1-to-1 बात करेंगे मंत्री नीतीश मिश्रा। बिहार में निवेशकों को लाने के लिए नए तरीके से तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा इसी साल 11 और 12 दिसंबर को इंटरनेशनल स्तर पर बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 आयोजित करने का ऐलान किया गया है, जिसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। उद्योग विभाग बिहार बिजनेस कनेक्ट आयोजित होने से पहले देश के बड़े निवेशकों के साथ बैठक करने वाली है, जिसकी शुरुआत आज 1 जुलाई से होगी। आज कोलकाता में बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा अपने आला अधिकारियों के साथ मिलकर उद्यमियों और निवेशकों के साथ 1-to-1 बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक, पर्यटन और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महानिदेशक डॉक्टर राजीव सिंह समेत बिहार के दूसरे अधिकारी मौजूद रहेंगे। बिहार विधानसभा की सभी 25 समितियों का हुआ पुनर्गठन। बिहार विधानसभा की सभी 25 समितियों का पुनर्गठन रविवार को कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर द्वारा समितियों का पुनर्गठन करते हुए विधानसभा में संख्या बल के आधार पर सभी सियासी दलों को समितियों में जगह दी गई है। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को समितियों में सभापति का पद मिला है, तो वही विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को 6 समितियों में सभापति का पद दिया गया है। इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जदयू को 5 समितियों में सभापति का पद सौंपा गया है। वहीं कांग्रेस को 2, CPIML और CPI को 1-1 समिति में सभापति का पद दिया गया है। बता दें कि सभी समितियां 1 जुलाई से प्रभावी होंगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दोनों मिले, राज्य सांसद मनोज झा की मांग। दिल्ली में हुई जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के सामने बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज मिलने की बात रखी गई थी। वहीं इस पर अब राजद सांसद मनोज झा की प्रतिक्रिया सामने आई। मनोज झा ने कहा है, हम यहाँ पर समझौता नहीं करेंगे, हमें दोनों चाहिए। उनका कहना है कि बिहार राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दोनों जरूरी है, एक राज्य के विकास के लिए और दूसरा राज्य में निवेश के लिए। मनोज झा ने आगे कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें एक पर समझौता करना पड़ रहा है। बिहार की ये मांग लंबे समय से रही है और अगर इसे या की बलि चढ़ा दी जाए तो ये नाइंसाफी होगी। संजय झा और ललन सिंह को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने पर सीएम नीतीश की आई पहली प्रतिक्रिया। जदयू नेता संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर से जदयू सांसद ललन सिंह को केंद्र में मंत्री बनाए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आखिर क्यों उन्होंने संजय झा और ललन सिंह को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। राज्यसभा सांसद संजय झा को जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर सीएम नीतीश ने कहा है कि अब संजय झा राज्यसभा भेज दिए हैं तो अब यहाँ रहकर वो सब जगह का पूरा काम करेंगे, देखेंगे, अब जगह सब लोगों से बात करेंगे। वहीं पहली बार ललन सिंह को केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने पर बोलते हुए सीएम नीतीश ने कहा, पार्टियों में किसको बनाना था, देना तो आखिर हम ही को न था, हमने ही तय किया। वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान दिल्ली स्थित बिहार निवास का दौरा किया और कहा कि ये अच्छा नहीं है, इसमें कम लोगों के रहने का जगह है, इसलिए इसका फिर से निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए टेंडर भी जारी हो गया है। घमंड हो गया चकनाचूर, चाचा पशुपति पारस पर चिराग का तन। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान अपनी माँ और सभी घमंड हो गया चकनाचूर, चाचा पशुपति पारस पर चिराग का तन। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान अपनी मां और सभी सांसदों के साथ पहली बार पटना पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके साथ ही पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में पटना के सभी 5 नवनिर्वाचित सांसदों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने कहा कि हमारी पार्टी महिला और युवाओं की पार्टी है और अगर हमें 10 सीटें मिलती तो हम 10 में से 10 सीट जीत कर दिखाते। ये नई सोच की पार्टी है जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने का काम करती है। वहीं उन्होंने चाचा पशुपति कुमार पारस का बिना नाम लिए कहा कि केंद्रीय मंत्री की कुर्सी का जिनको घमंड था, जिनके संसद में 6 सांसद होते थे, आज उनके 0 सांसद है और उनका घमंड चकनाचूर हो गया है। वहीं चिराग पासवान ने आगे कहा कि 5 जुलाई को पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का बर्थडे है और इस मौके पर हाजीपुर में बड़ा कार्यक्रम होगा और उसी दिन पार्टी के सभी पदाधिकारी पूरे बिहार की यात्रा पर जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2024 में विजेता और उपविजेता टीमों को मिली करोड़ों की प्राइज मनी। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 समाप्त हो चुका है। फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ यादगार मैच में भारत ने 7 रनों से जीत दर्ज की और इसी के साथ दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में कामयाब रहे। T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद भारत को बंपर प्राइज मनी मिली।
तो वहीं उपविजेता साउथ अफ्रीका की टीम पर भी पैसों की बरसात हुई है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए $11.25 मिलियन का प्राइज मनी तय किया गया था, जिनमें से T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम को 20.36 करोड़ प्राइज मनी के तौर पर दिया गया है। तो वहीं उपविजेता रही साउथ अफ्रीका की टीम को 10.64 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीम अफगानिस्तान और इंग्लैंड को एक समान 6.54 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा सभी टीमों को कुछ ना कुछ राशि दिए गए हैं। वहीं भारतीय बोर्ड ने भी 135 करोड़ इनामी राशि का ऐलान किया है। BCCI सचिव जय शाह ने T20 विश्व कप विजेता टीम के लिए प्राइज मनी का ऐलान रविवार शाम को ट्वीट कर किया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1949 में जब स्वतंत्र भारत में छोटी रियासतों का विलय हुआ, तब त्रावणकोर और कोचीन रियासतों को मिलाकर त्रावणकोर कोचीन राज्य बनाया गया। आज के दिन 1852 में सिंध के मुख्य आयुक्त सर बार्टल फौरे द्वारा सिंध राज्य में और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नाम का डाक टिकट किया गया। आज के दिन वर्ष 2017 में भारत में अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में वस्तु और सेवा कर यानी GST लागू किया गया। आज के दिन वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लागू हुआ और विवाद को एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया गया। भ्रामक दावा करने वाली प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट बेचने वाली कंपनियों पर FSSAI द्वारा होगी कार्रवाई। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा उन प्रोटीन सप्लीमेंट पाउडर और शेक पर कार्रवाई की जा रही है जो भ्रामक दावे करते हैं और मेडिकल रूप से सर्टिफाइड नहीं है। FSSAI द्वारा किए गए एक अध्ययन में पता चला है कि स्टोर, सेल्फ, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और जिम में बेचे जाने वाले कई प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट झूठे और भ्रामक दावों के साथ आते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की कार्रवाई से ऐसे कई प्रोडक्ट पर बैन लग सकता है जो नॉर्म को पूरा नहीं करते हैं। रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि फिटनेस के बारे में बढ़ती जागरूकता और लोकप्रियता ने हेल्थ कार्ट और अमेजोन जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कई तरह के प्रोटीन सप्लीमेंट को बहुत ज्यादा कीमत पर उपलब्ध कराया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, वेरी स्पेशल विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, मौर्य काल के इतिहास के मुख्य साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है कुम्हरार, ऑप्शन डी है गया। इसका सही उत्तर है कुम्हरार। बिहार में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है राजगृह, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है बोधगया। इसका सही उत्तर है राजगृह। ब्रिटिश सरकार ने हेग ओपियम कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए थे? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1913। इसका सही उत्तर 1912। 1946 के रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को समाप्त करने के लिए घोषणा किसने की थी? ऑप्शन ए लियाकत अली खान, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है डॉक्टर आम्बेडकर, ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना। भारत के पहले भारतीय सिविल सेवा ऑफिसर कौन थे? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी है सुकुमार सेन, ऑप्शन सी है उदय सिंह, ऑप्शन डी नंदा शंकरे। इसका सही उत्तर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसका सही उत्तर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है रंजीत मिश्रा, मिथिलेश कुमार, कुमकुम कुमारी, अतीक खान, वेद प्रकाश सिंह, विशाल विरल, जितेंद्र, अनवर करीम खान, राजकिशोर महतो, विनय कुमार, रंजित मिश्रा, राजीव कुमार, छोटू राजा, भरत प्रसाद, रवि कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल के रात का सवाल, आपके हिसाब से T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के किस खिलाड़ी का प्रदर्शन आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।